देश के सबसे बड़े दंगल अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन पानीपत में किया गया, जिसमें 8 राज्यों के 80 खिलाड़ियों ने अपना भाग्य आजमाया। प्रतियोगिता में बजरंग पुनिया, सीमा, ललिता, साक्षी मलिक, गुरु शरण कौर, देश के बड़े पहलवानों ने हिस्सा लिया। और साथ ही आपको बता दें कि दंगल के पहले विजेता सुमित ने मौसम खत्री को हराकर अपने भार में पहला स्थान हासिल किया। वहीं लोगों में उत्साह भरने के लिए मशहूर सूफी गायक सतेंद्र सरताज ने भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सफल आयोजन के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस देसी ने प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ शहर की जनता का धन्यवाद किया। मौसम खत्री को पचकनी दी है पानीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दंगल में सुमित ने अपना दमखम दिखाया है और आपको बता दें कि मौसम खत्री को पचकनी देकर जीत हासिल की है। गायक सतेंद्र सरताज ने यहां पर समा बांधा है। बहुत खुश हूं, मैं दंगल पहली बार खेल रही हूं और मैंने आप खिताब जीता और बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा में इतना अच्छा अरेंजमेंट देख, इतना अच्छा कंपटीशन देख, बहुत बढ़िया बात है। करवाया भी है, भिवानी में भी हुआ था, बिल्कुल गांव में हुआ था और अभी पानीपत में हुआ है। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, ऐसे दंगल और होंगे तो बढ़ चढ़ के लड़के लड़कियां भाग लेंगे। 22 तारीख से लेके और 24 तारीख तक पानीपत में चौथा शहीदी दिवस फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 10 टीमों ने भाग लिया है। और हर साल की भांति इस साल भी जो सबसे हमारे देश के लीडिंग प्लेयर्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और यहाँ पर जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है बड़ा सफलता से किया गया है। और इसका विशेष मैं इस बात के लिए पानीपत की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जितनी बड़ी संख्या में लोग इसको देखने आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है उसके लिए पानीपत की जो खेल प्रेमी जनता है वो बधाई की पात्र है। और जिन्होंने इस प्रतियोगिता के दौरान जो पोजीशन जीती है, जिन्होंने कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।